दोस्तों, अभी मैं अपने कस्टमर का मैरिज फोटोग्राफी एल्बम देख रहा था दोस्तों। वाकई में जबरदस्त, लाजवाब, फैंटास्टिक एल्बम था दोस्तों। फोटोग्राफी बहुत ही गजब की हुई थी दोस्तों। जब आपका कस्टमर अपने किसी दोस्त यार के साथ आपके शॉप आते हैं और अपना मैरिज फोटोग्राफी एल्बम को देखते हैं, जब वह और उसके दोस्त एल्बम को देखने के बाद वह जबरदस्त है बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कला और आपकी मेहनत वाकई में सफल हो गई। अब यहीं से आपका बिजनेस ग्रोथ करता है दोस्तों। आपका नाम, आपका बिजनेस अब वाकई में आगे उड़ान की ओर जाएगा दोस्तों। किसी भी मैरिज फोटोग्राफी एल्बम की खूबसूरती आपके द्वारा दूल्हा और दुल्हन की खींची गई क्लोजअप फोटोग्राफी के ऊपर निर्भर करता है। आप जितनी सुंदरता से, जितनी कला से दूल्हा और दुल्हन की क्लोजअप फोटोग्राफी करेंगे, उतना ही आपका एल्बम और आपकी डिजाइनिंग, यहाँ डिजाइनिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके द्वारा खींची गई फोटो और उसमें आपके द्वारा किया गया डिजाइनिंग में मेहनत उस एल्बम की खूबसूरती को बढ़ाता है। आप जितना मेहनत करेंगे क्लोजअप फोटोग्राफी में और डिजाइनिंग में, आपका मैरिज फोटोग्राफी एल्बम उतना ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त रहे। तो दोस्तों, आइए दूल्हा और दुल्हन की क्लोजअप फोटोग्राफी कैसे करेंगे इस वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या बारीकियों को हमको ध्यान रखना है, क्या क्या जानकारी हमको अपडेट करना है, हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लड़की पक्ष से हैं तो आपको दुल्हन की क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। दोस्तों, दुल्हन जहाँ तैयार हो रही हैं, हमें आउटडोर क्लोजअप फोटोग्राफी वहीं करनी है। दुल्हन को हम स्टूडियो ला नहीं सकते, तो दोस्तों जहाँ पर दुल्हन तैयार हो रही है आप वहाँ पर अपना सेटअप बनाने की कोशिश कीजिए। सेटअप बनाने का मतलब है कि आप वहाँ पर देख लीजिए कि दीवार है, कि पर्दे लगे हुए हैं, बाउंस लाइट के लिए बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपना एक बिजली का कनेक्शन लगाइए, बाउंस लाइट हमें लगाना है, पर्दे हैं कि नहीं है, दीवार कैसा है। जैसा भी हो, अगर आपके फेवर में सभी कुछ सही है तो अच्छी बात है, अगर फेवर में कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है मसलन, पर्दे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हमें क्लोजअप खींचना है, कैसे भी खींचना है। अगर आपके पक्ष में सब कुछ है, बिजली है, तो आप अपना रेडी कर लीजिए, पर्दे रखिए। दोस्तों, मेरा सुझाव यह है कि आप अपने किट में दो, एक ग्रीन कलर का और एक मैरून कलर का पर्दा हमेशा अपने साथ रखिए। जहाँ भी मौका है पर्दा टांग दीजिए, एक आपका स्टूडियो रेडी हो जाएगा, सामने बाउंस लाइट लगा दीजिए और पीछे पर्दा लगा दीजिए। दोस्तों, अगर आप ग्रीन पर्दा का यूज करेंगे तो आपको कटिंग में, क्रोमा कटिंग में बहुत ही फायदा मिलेगा। तो मेरा सुझाव यह है कि ग्रीन कलर का पर्दा हमेशा साथ में रखिए, और जहाँ पर भी हमें फोटो खींचना है वहाँ दीवार में लगा दीजिए, और अपना दो बाउंस लाइट सामने में लगा करके चेक करके रेडी रहें। अगर दुल्हन वहीं तैयार हो रही हैं तो आप वहीं पर इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिए, जैसे तैयार हुए रिक्वेस्ट करके आप क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए अपने सेटअप में ले आएँ। अगर दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई हैं तो इंतज़ार कीजिए और ध्यान रखते रहिए, पता करते रहिए कि दुल्हन कब आ रही हैं। जैसे ही वो आए आप अपने सेटअप में ले जाइए और क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए तैयारी कीजिए। दोस्तों, यह शादी का घर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। शादी का घर है, सभी को शादी की टेंशन है, रस्म की टेंशन है, रस्म को आगे बढ़ाना है इसकी टेंशन रहती है। तो आपके पास समय बहुत ही कम है, आपको जो भी समय मिले उस समय में आपको अपनी कला को दिखाना है। दोस्तों, दुल्हन को आप अपने सेटअप में ले जाइए, उसके बाद लेफ्ट साइड से क्लोजअप 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 क्लोजअप, फ्रंट से क्लोजअप क्लोजअप क्लोजअप, और राइट एंगल से क्लोजअप क्लोजअप क्लोजअप, 15-20 फोटो हो गया। उसके बाद क्लोजअप लेफ्ट एंगल से आपके कैमरे की तरफ देखते हुए दुल्हन का क्लोजअप 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 फुल लेंथ तक, राइट एंगल से ऐसे करके आपके कैमरे की तरफ देखते हुए दुल्हन का क्लोजअप क्लोजअप क्लोजअप, फ्रंट से क्लोजअप 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 और फुल क्लोजअप क्लोजअप, राइट एंगल से फुल। दोस्तों, यहाँ तक हमारा 30 फोटो के आसपास खिंचा गया, यह डाटा हमारे लिए सफिशियंट है। दोस्तों, हमें इतना तो किसी भी सूरत में चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, इतना खिंचाने के बाद अब आप पोज के लिए रेडी होइए कि अब हमें पोज का लेना है। आप पोज की सेटिंग बताइए और उसके अनुसार फोटो खींचिए, पोज बनाइए, उसके अनुसार से फोटोग्राफी कीजिए।
दोस्तों ध्यान इस बात का हमेशा रखेंगे कि फोटोग्राफी करने के बाद, कैमरा पिक करने के बाद जब हम बाहर जाएं तो हमारे दिमाग में यह सवाल ना आए, अरे यार मैं वो वाला क्लोजअप तो भूल गया। दोस्तों यह नहीं आना चाहिए। अगर यह आता है बाद में तो क्या मतलब, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम अपने दिमाग लगा के हम अपने काम को परफेक्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम जो भी फोटो हमें पसंद आ रही हो, गूगल से, नेट से, मैगजीन से, जहाँ से भी जो भी फोटो आपको पसंद आए कि अरे वाह यार ये फोटो तो मेरे एल्बम के लायक होना चाहिए, मेरे को ऐसा ही फोटो खींचना है, उस फोटो का कलेक्शन आप अपने मोबाइल में एक फोल्डर बना कर रख लीजिए। जब भी क्लोजअप फोटोग्राफी कीजिए, मोबाइल में फोल्डर ओपन करके फोटो को देखिए, दिमाग में बैठाइए मुझे ये फोटो लेना है, और उस फोटो को दुल्हन को भी दिखाइए। उससे आपको फायदा ये होगा कि वह जो शॉट है वह परफेक्ट आने का चांस बढ़ जाएगा। कैसे, आपने देखा, आपके दिमाग में बसा कि मुझे ऐसा फोटो लेना है, आपने दुल्हन को दिखाया, दुल्हन के दिमाग में आया कि मुझे ऐसा पोज देना है, तो वह जो शॉट है वह 100% ओके होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों आप अपना क्लोजअप फोटो से, मोबाइल से, एक के बाद एक सीक्वेंस में जो जो आपको समझ में आ रहा है पहले ले लीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है आप उससे देख लीजिए। दोस्तों उससे यह होगा कि बाद में आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने लगभग जितना भी देखा था, जो आपको चाहिए था वह शॉट आप ले चुके हैं। दोस्तों जब वहाँ आप क्लोजअप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो लोग वहाँ पर आपको और आपकी कला को, आपके एटीट्यूड को देख रहे हैं। आप अपना एटीट्यूड सही रखिए, अपनी कला दिखाइए। मोबाइल में फोल्डर बना करके फोटो रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें अपनी कला दिखानी है। हम सामने में दुल्हन को नहीं बोल सकते आप बताइए क्या खींचना है, आप बताइए कैसे करना है, ऐसा हम दुल्हन से नहीं बोल सकते। फोटोग्राफर हम हैं, हमको अपनी कला दिखानी है, तो हम इन सब चीज़ों को अगर रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों आप पूरी फोल्डर को एक बना करके रखिए फोटो की, और उसकी सहायता से आप अपनी क्लोजअप फोटोग्राफी कीजिए। आधी दिमाग में बैठाइए, जितना दिमाग में बैठा हुआ है उतनी फोटोग्राफी तो आप कर ही लीजिए, और उसके बीच बीच में आप देखते रहिए कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। दुल्हन की फोटोग्राफी करते समय दुल्हन को छूने की जरूरत नहीं है, आप अपना पोज अपने स्टाइल से ही बता सकते हैं। देखिए मैं कैसे करता हूँ। आप दुल्हन को जैसा पोज बताएंगे दुल्हन वैसा पोज में रेडी हो जाएंगी। आप अगर दुल्हन को छुएंगे तो दुल्हन उस समय भले कुछ न बोले, लेकिन आपके प्रति नकारात्मक विचार उनके दिमाग में आएंगे, जो कि आपके प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है। अगर आप अपने प्रोफेशन को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारी क्लोजअप फोटोग्राफी अब समाप्त होती है। इसके बाद हम रिसेप्शन की तैयारी करेंगे। रिसेप्शन में जयमाला होने के तुरंत बाद दूल्हा और दुल्हन की क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए आपको स्टेज में चढ़ जाना है। उस समय जो गेस्ट आए रहते हैं उनके दिमाग में भी मानसिकता बने रहती है कि अभी दूल्हा और दुल्हन की क्लोजअप फोटोग्राफी होनी है, तो उस समय जैसे जयमाला हो तुरंत आप स्टेज में चले जाइए। अब आपके पास दुल्हन का डाटा है, दूल्हे का डाटा नहीं है, आपको दूल्हे का डाटा सबसे पहले लेना है। यानी कि रिसेप्शन में हमारा कैमरा का टारगेट सबसे पहले दूल्हा रहेगा। दूल्हा का क्लोजअप 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 बैठे हुए पूरा फुल साइड एंगल से क्लोजअप 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 हाफ फुल लेफ्ट राइट इधर से एंगल चेंज करके ऐसे करते हुए क्लोजअप 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 फुल, ये दूल्हा का हो गया। उसके बाद दुल्हन का भी रिसेप्शन चेयर का फोटोग्राफी नहीं है, रिसेप्शन चेयर के साथ भी हमको दो चार फोटो चाहिए। दुल्हन का भी साइड से कैसे भी लेफ्ट 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 राइट 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 फ्रंट 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 बैठे हुए फुल। उसके बाद दोनों को आप खड़ा करवा दीजिए, हाफ फोटोग्राफी कीजिए, एक साइड से, दो साइड से, तीन साइड से, वन थर्ड वन टू वन थर्ड वन, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक और पूरा फुल। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, भगवान ने हर इंसान को बनाया है, उसका कोई ना कोई एंगल परफेक्ट फोटोग्राफी के लिए रहता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस परफेक्ट एंगल को खोज पाते हैं कि नहीं। दोस्तों मेरा अनुभव और मेरा मानना यह है
कि कितना खराब से खराब चेहरे वाले का भी कोई एंगल ऐसा रहता है कि उसमें वह शानदार दिखता है। तो दोस्तों आपको वह एंगल खोजने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप अपनी क्लोजअप फोटोग्राफी से इधर 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 से आप हर एंगल से फोटोग्राफी कीजिए दोस्तों, उस फोटो को जब आउटपुट आप देखेंगे तो उसमें आपको हर दूल्हा का हर दुल्हन का कई फोटो शानदार दिखेगा। तो दोस्तों भगवान ने जो इंसान बनाया है उसका फेस किसी न किसी एंगल में 100% ओके फोटो आती है, आपको वह एंगल खोजना है। दोस्तों रिसेप्शन में कैसे भी करके आपको दूल्हे का क्लोजअप फोटोग्राफी खींचना ही है, दुल्हन की भी खींचिए, दूल्हा और दुल्हन को खड़े करवा करके भी फ़ोटो खींचिए। दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्लोजअप फोटोग्राफी बंद करनी है क्योंकि जो गेस्ट आए हुए हैं अब वह इंतज़ार नहीं कर सकते, वो भी अब आना चालू करेंगे। दोस्तों अब आप गेस्ट के साथ फोटोग्राफी जो रिसेप्शन फोटोग्राफी करना है वह करते रहिए, लेकिन फिर वही मोबाइल निकाल करके अब आपको दूल्हा और दुल्हन का एक साथ वाला पोज को अपने दिमाग में बैठाना है। मोबाइल देख के वो जो शॉट है उस शॉट को अपने दिमाग में बैठाना है। जैसे गेस्ट की भीड़ कम होती है आपके जो मोबाइल में देखा हुआ फ़ोटो है, जो दिमाग में बसा हुआ फ़ोटो है, वह शॉट आप तुरंत स्टेज पर चक्कर लेने की कोशिश कीजिए। दोस्तों रिसेप्शन पार्टी जब लगभग समाप्त होते रहती है उस समय भी दूल्हा और दुल्हन स्टेज में खाली बैठे रहते हैं, आप अब सीखने के लिए फोटोग्राफी कीजिए। फोटोग्राफी में कोई भी 100% पक्का नहीं हो सकता दोस्तों, फोटोग्राफी ऐसी कला है जिसमें हमेशा सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया मिलते ही रहता है। अब आपको रिसेप्शन में जो स्टेज बना हुआ है वह स्टेज की खूबसूरती के साथ दूल्हा और दुल्हन का फोटोग्राफी आप कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर जो फ्लावर पॉट लगे रहते हैं, जो चेयर लगे रहते हैं, जो फ्लावर डेकोरेशन रहते हैं, उनके साथ आप दूल्हा और दुल्हन की खड़े होकर क्लोजअप फोटोग्राफी करनी है। यह है दोस्तों अब आपको क्लोजअप फोटोग्राफी नहीं करनी है, अब आपको अपनी कला को और सीखने के लिए फोटोग्राफी करना है। दोस्तों अब आप सीखने के लिए और क्या सीख सकते हैं इसकी प्रैक्टिस आप वहां पर कीजिए और अच्छे से अच्छा शॉट निकालने की कोशिश कीजिए। इसके बाद दोस्तों क्लोजअप फोटोग्राफी यहीं पर समाप्त होती है। क्या क्लोजअप फोटोग्राफी अब समाप्त हो गई, यहां पर के लिए फिलहाल समाप्त होती है क्योंकि दूल्हा दुल्हन अब खाना खाकर जो हमारे रस्म हैं अब वो चालू हो जाएंगे, अब आपको रस्मों की फोटोग्राफी करनी है। तो क्या यह मान के चलें कि क्लोजअप फोटोग्राफी बंद हो गई है? नहीं दोस्तों, मेरे अनुसार अभी क्लोजअप फोटोग्राफी बंद नहीं हुई है। दोस्तों दुल्हन जब शादी होकर ससुराल चली जाए उसके बाद आप परिवार वालों के साथ कांटेक्ट बना के रखे रहिए और उनसे बात करके आप दुल्हन से भी बात कर सकते हैं। उनसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए कि दीदी आप कब आ रही हैं, वहाँ से जो भी रिप्लाई आए तो आप उनसे बोलिए कि दीदी जब भी आप आएँ तो आप अपनी शादी का जोड़ा और जीजा जी का भी सूट को लेते आइएगा, मैं अपने स्टूडियो में आप दोनों का और क्लोजअप फोटो खींचना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके 100% में 99% कस्टमर उत्साहित होकर हाँ बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्साहित होकर हाँ बोलेंगे, हाँ हम बिल्कुल आएंगे क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए। और दोस्तों जब आए दुल्हन जब घर आए तो उनके साथ उनके हस्बैंड भी आते हैं, तो आप बिल्कुल उस समय को ध्यान रखिए और निवेदन कीजिए कि आप स्टूडियो आइए और वहाँ मुझे फोटोग्राफी और करनी है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, 100 कस्टमर में से 99 कस्टमर बिल्कुल आपको फ़ोन करके रेडी होकर आपके स्टूडियो आएंगे। दोस्तों स्टूडियो में क्लोजअप फोटोग्राफी खींचने का अपना एक अलग ही मजा है। यहाँ न तो रस्म जो रिवाज है उसका टेंशन, न तो दूल्हा और दुल्हन के चेहरे पर पसीना डस्ट, न ही स्ट्रेस यानी कि थकान। दोस्तों जब आपके स्टूडियो में दूल्हा और दुल्हन आते हैं तो उनका चेहरा एकदम खिला खिला एकदम फ्रेश रहता है। और दोस्तों स्टूडियो में हमारी लाइटिंग का सेटअप ज़बरदस्त रहता है, वहाँ फ़ोटो तो ज़बरदस्त आता ही है, और यहाँ पर प्राइवेसी होने की वजह से दूल्हा और दुल्हन आपको अच्छे से, आपके पास समय भी है तो समय की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन आपको आराम से अच्छे पोज यहाँ पर दे सकते हैं।
क्लोजअप फोटोग्राफी अलग अलग लीजिए, दोनों का एक साथ लीजिए और उसके बाद देखिए। यह जो स्टूडियो में आप क्लोजअप खींचेंगे दोस्तों, यह आपके एल्बम की जान बढ़ा देगा, उसकी खूबसूरती को 100% बढ़ा देगा। दोस्तों, दूल्हा दुल्हन को स्टूडियो में बुलाने का यह ट्रिक आजमाने से आपको दो फायदे होंगे। पहला, जो आपने क्लोजअप फोटोग्राफी में गलतियां की होंगी वह यहां पर आप सुधार सकते हैं और स्टूडियो की फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे रहते हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। दूसरा फायदा आपको यह मिलेगा कि आपके कस्टमर के द्वारा माउथ प्रचार होगा और विश्वास जमेगा। इस ट्रिक से आपका नाम, आपके दुकान का नाम और आगे बढ़ेगा, यानी कि आप अपने क्षेत्र में और भी महारत हासिल करेंगे। दोस्तों, इसी शुभकामनाओं के साथ अगला ऐसे ही जानकारी प्रदान करने वाला वीडियो की उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।